यार, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से मुनाफा भी कमाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने टैक्स लगाने की भी बात कह दी है और आपको पता ही नहीं कि लोग ये बिजनेस कर कैसे रहे हैं। ऊपर से फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में डिजिटल करेंसी लाने की भी बात कह दी। अब ये क्या है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सर्वप्रिया सांगवान आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी क्या है और इनसे जुड़ी सब डिटेल्स बहुत ही सिंपल भाषा में। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी दोनों अलग बात हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी भी हैं। तो पहले बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अगले साल तक भारत में डिजिटल करेंसी शुरू हो जाएगी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होगी। जैसे कागज का रुपया होता है, वैसे ही डिजिटल रुपया होगा। इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये गाइडलाइंस RBI जारी करेगा। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसीज या कहें कि वर्चुअल करेंसी का क्रेज बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए भारत ने भी एक तरह से अपनी डिजिटल करेंसी लाने की सोची है। चीन भी अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन ला चुका है। अमेरिका भी डिजिटल डॉलर लाने की सोच रहा है। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। आप इसे खरीदते हैं या इससे कुछ खरीदते हैं, उसके लिए आपको एक बैंक या ब्रोकर नहीं चाहिए। भारत में अभी ये लीगल नहीं है, लेकिन डिजिटल करेंसी आ रही है तो हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी भविष्य में भारत सरकार कोई घोषणा कर सकती है। फिलहाल तो ये घोषणा है कि इस क्रिप्टो करेंसी से जो लोग कमाई कर रहे हैं उस पर 30% टैक्स लगेगा। लोग कमाई कैसे कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से? देखिए, जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, वैसे ही लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते बेचते हैं। लेकिन शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ा फर्क ये है कि शेयर मार्केट रेगुलराइज्ड है, इसका सिस्टम है। अभी ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में रेगुलराइज नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि लीगल क्लैरिटी नहीं है अभी इंडिया में इसे लेकर। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी लेनी है तो आप कैसे लेंगे? वैसे दुनिया भर में इस वक्त कई क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, लेकिन बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिसके जरिए क्रिप्टो करेंसी खरीदी बेची जाती है। अब एक पेच ये है कि आपको नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्यों नीचे जा रहा है या क्यों ऊपर जा रहा है। आप कुछ डेफिनेट तो पता कर नहीं सकते। ये बहुत स्पेकुलेटिव मार्केट है। कभी एक बिटकॉइन की कीमत 30 रुपये भी हो सकती है, और कभी 30,000 रुपये भी, और कभी 30 लाख रुपये भी। तो फायदा होने को बहुत फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। जब टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी की कारें बिटकॉइन से नहीं खरीदी जा सकती, तो बिटकॉइन की कीमत एकदम घट गई। जब जापान ने इसे लीगल कर दिया तो इसकी कीमत बढ़ गई। अगला सवाल कि क्या आप इससे कुछ खरीद भी सकते हैं? हाँ, ये अभी तक बहुत ज़्यादा मेनस्ट्रीम तो नहीं हुआ है, पर एप्पल अमेज़न जैसी जगहों पर बिटकॉइन से परचेजिंग शुरू हो गई है। बाकी कुछ और कंपनियां भी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही हैं। इस करेंसी को रखने के लिए एक डिजिटल वॉलेट भी होता है, जिसके साथ एक एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन नंबर अटैच होता है, एक पासवर्ड की तरह। मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो पहली बात तो ये कि जिस कंपनी से खरीदनी है वो इस डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करती हो। फिर आपको अपने इस डिजिटल वॉलेट से कंपनी के डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना होगा। कैसे? एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए। ये जो एनोनिमस ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से इल्लीगल चीज़ें भी हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी सामने आए हैं कुछ देशों में। ब्लॉकचेन डेटा कंपनी चेनालिसिस ने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट निकाली है कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पिछले साल से 30% बढ़ गए हैं। इन खतरों को देखते हुए भी इंडिया ने अभी क्रिप्टो करेंसी पर कोई फैसला नहीं लिया है। पार्लियामेंट के अगले सेशन में क्रिप्टो करेंसी की निगरानी के लिए बिल भी पेश हो सकता है। इसे रेगुलेट करने के लिए SC गर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। क्रिप्टो करेंसी और भारत की डिजिटल करेंसी में फर्क ये है कि डिजिटल करेंसी रेगुलेटेड होगी और उसे सिर्फ RBI जारी कर सकता है, लेकिन हाँ, दोनों ही करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रेगुलेट होंगी। भारत में अगले साल तक ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। उम्मीद है कि काफ़ी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके इससे जुड़े कुछ और भी सवाल हों तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।